गाड़ी में सफर करना बहुत बेकार है, बहुत लेट चलना है, मतलब सब परेशान है, परेशानी। ये देखो गाइज, अभी वंदे भारत आ रही है हमारे सामने से, और ये देखो फुल रफ्तार में वंदे भारत आ रही है जो हमें क्रॉस करेगी। और यहाँ पे इसका 10 मिनट का होल्ट है मुरादाबाद। लगभग 120 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से भी यहाँ पे हमारी गरीब रथ चल रही है। दरभंगा में ये लोकोमोटिव चेंज होता है यहाँ से, और यहाँ से लोकोमोटिव दूसरी साइड से लग के सकरी के रास्ते जाती है, यहाँ पे चेंज होगा यहाँ पे लोकोमोटिव इसका। और अभी हमारे पीछे आप देख पा रहे हो गरीब रथ खड़ी है, जो सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस है, जिसकी गाड़ी नंबर है 04032, जो आनंद विहार से चलकर सहरसा के लिए जाएगी दरभंगा के रास्ते। और अभी हम आनंद विहार पे खड़े हैं, और ब्लॉग पे बने रहना, मैं आपको पूरी जर्नी बताऊंगा आनंद विहार से दरभंगा तक के लिए। और मैं भी, मेरे को दरभंगा जाना है। चलो मैं आपको पहले अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ, अंदर से कैसा दिखता है ये। चलो चलो मैं आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ, अंदर का पार्ट दिखाता हूँ गाड़ी का। एक मिनट रुको। जैसे आप अंदर एंट्री करते हो, ये देखो कुछ ज़्यादा ही क्राउड है, पूरी गाड़ी फुल है। और ये है हमारा सीट नंबर, ये। और इसमें आपको ज़्यादा सुविधा नहीं मिलेगा, बस एक आपको चार्जिंग स्लॉट मिलेगा इधर और एक मिलेगा इधर बस। और ये है इंटीरियर पूरा। तो हम लोग आनंद विहार से निकल गए हैं, और ये गाड़ी हमारी खुल गई है आनंद विहार से। और अगला स्टॉप इसका गाजियाबाद है, जो आधे घंटे में आएगा। तो ब्लॉग पे बने रहना गाइस, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और ये अंदर का इंटीरियर है, आप एक बार देख सकते हो। और ये मेरा सीट नंबर है 25, ये अंदर का है। ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, ऑलमोस्ट ठीक है। और आप ये देख सकते हो यहाँ से अभी हमारी एंड, ये देखिए। और अभी सुबह के 5:15 हो रही है, और करेक्ट टाइम पे हमारी गाड़ी खुली है। और आप अंधेरा देख सकते हो, क्योंकि ठंड का मौसम है तो 5 अंधेरा ही होता है ऑलमोस्ट। तो बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, अभी सूरज नहीं हुआ है, अभी रोशनी बिल्कुल भी नहीं है। आधे पौन घंटे बाद देखते हैं गाजियाबाद पहुँचते इसमें रोशनी आती नहीं आती। अभी हम लोग आ गए हैं गाजियाबाद, जो दूसरा होल्ट है, पहला होल्ट है इसका। आनंद विहार से खुलने के बाद ये गाजियाबाद आई है, और आप करेक्ट टाइम पे आइए, लेट बिल्कुल भी नहीं है। 5:40 का टाइम है, और अभी हम लोग गाजियाबाद 5:40 पे पहुँचे हैं। और ये गाजियाबाद का है, और अभी तक भी सनसेट नहीं हुआ है, अभी तक मॉर्निंग नहीं हुई है, आप देख सकते हो अंधेरा ही है। और ये गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे ही हम लोगों ने एंट्री करी है, गाजियाबाद का है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारी गाड़ी, 1 पे लगी हुई है हमारी गाड़ी, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो ये हमारा पहला होल्ट है गाजियाबाद, उसके बाद अगला होल्ट है मुरादाबाद। और चलो हम आपको दिखाएंगे मुरादाबाद का सीन, ये देखो ये गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। स्टेशन पे ज्यादा क्राउड नहीं है, आप देख सकते हो। ये G12 हमारा कोर्ट है। गाजियाबाद से 2 के हॉल्ट लेने के बाद हम निकल चुके हैं मुरादाबाद की तरफ। और अभी यहाँ पे सिग्नल नहीं है लग रहा है गाड़ी को, तो यहाँ पे रोक दिया है गाजियाबाद स्टेशन के जस्ट सामने, और ये रहा स्टेशन। तो अभी गाड़ी को सिग्नल नहीं मिला है आगे। और बाकी ब्लॉग में बने रहना गाइज, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और आप लोग भी बताना अगर आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है। मॉर्निंग हो चुका था, और ये देखो रोशनी भी हो गई थी ठीक ठाक सी, और ठंड हो रही है तो ठंड की वजह से कोहरा भी है। और हमारी ट्रेन सुबह सुबह की थी, तो जितने भी लोग सुबह जल्दी उठे थे तो सारे लोग सो रहे थे, आप ये देख सकते हो सारे लोग सो रहे। मैं भी यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी सो रहा हूँ, ये देखिए। ये देखो गाइस, अभी लगभग अगर मैं आपको बताऊँ तो 100-120 पे गाड़ी चल रही है हमारी, और आप रफ्तार देख सकते हो कितनी तेज है। और ये सनसेट देखो कितना प्यारा हो रहा है। टाइम अगर मैं ट्रेन की स्पीड की बात करूं तो लगभग 120
वाले। ये देखो अगला स्टॉप हमारा मुरादाबाद है और अभी 100 से ऊपर की स्पीड है अभी गाड़ी की, 100 से ऊपर की। और ये सनसेट बहुत प्यारा हो रहा है और हम बस मुरादाबाद पहुंचने वाले हैं। और आप ये देखो कितनी तेज, गाड़ी की रफ्तार की बात करूं तो लगभग 120 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से भी यहाँ पे हमारी गरीब रथ चल रही है और अभी मैं उसमें जर्नी कर रहा हूँ। और अगला स्टॉप हमारा ये देखो गाइज, अभी वंदे भारत आ रही है हमारे सामने से और ये देखो फुल रफ्तार में वंदे भारत आ रही है जो हमें क्रॉस करेगी। वंदे भारत पहुंच चुके हैं मुरादाबाद और ये है मुरादाबाद जंक्शन और हमारी ट्रेन यहाँ पे मुरादाबाद अराइव कर चुकी है और बिल्कुल अपने टाइम पे, बिल्कुल भी लेट नहीं है, अभी तो टाइम पे चल रही है। आगे देखते हैं और यहाँ पे इसका 10 मिनट का होल्ट है मुरादाबाद में। और ये हमारे सामने ये आला हजरत एक्सप्रेस है जो बरेली से भुज के लिए जाएगी, जो बरेली से अभी आई है। बरेली, अब अगला स्टॉप बरेली का है। बस यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर दूर है बस बरेली, 2 से 3 किलोमीटर दूर, और हम यहाँ बरेली पहुंचने वाले हैं। और ये बरेली का है बरेली आने वाले हैं। पूरी गाड़ी खाली है पूरी, इनका सही जुगाड़ पानी होता है। हम लोग बरेली आ गए हैं और ये भी बरेली का रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गाड़ी लगाई है। हम लोग अपने चौथे स्टॉप पे पहुंचे हैं बरेली और यहाँ पे यहाँ किसका 2 मिनट का होल्ट है और 2 मिनट के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से निकलेगी। और ये बरेली रेलवे स्टेशन है और देखो हमारी ट्रेन खुल भी चुकी है, 2 मिनट का होल्ट था इसका। चलो बाकी आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट। हम लोग बरेली से निकल चुके हैं और यहाँ पे 2 ही मिनट का होल्ट था इसका और मैं आपको बाय बाय बरेली। और हम बरेली को एग्जिट करते हुए
देखो सामने से एक और लाइन जा रही है। सीतापुर जैक्सन और हम लोग पहुंच चुके हैं सीतापुर जैक्सन। ये और यहाँ पे भी क्राउड है स्टेशन पे सीतापुर जैक्सन में। तीन नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी है सीतापुर एक्सप्रेस। तो अभी हम पहुंचे हैं सीतापुर जंक्शन और यहाँ पे का ट्रेन का 10 मिनट का होल्ट है। और मैं आपको बताऊँ अभी लगभग 400 किलोमीटर का हमने सफर तय करा है और अभी आधा सफर भी नहीं हुआ है। अभी तो बहुत डर नहीं, कल हम लोग लगभग 5 या 6 बजे दरभंगा जंक्शन को पहुंचेंगे और मुझे दरभंगा तक जाना है। तो ये सीतापुर जंक्शन का स्टेशन है और ये एक जंक्शन है और यहाँ पे भी काफी क्राउड होता है आप देख सकते हो। अगला स्टॉप गोंडा है और अभी हम गोंडा पहुंचने वाले हैं पिछले 20-25 मिनट में, बस ज़्यादा दूर नहीं है गोंडा से हम। अब ये गाड़ी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। Thank you.
अभी बज रहे हैं शाम के 7 और अभी हम लोग पहुंचे हैं गोंडा जंक्शन में। तो ये गोंडा जंक्शन है और यहाँ पे ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पे लगभग अभी हमारी ट्रेन 2 घंटे की लेट देरी से चल रही है। पिछले 2 घंटे से हमारी ट्रेन को पीछे ही रोक दिया था और अभी हम लोग गोंडा पहुँचे हैं। अब रात हो रही है और अब भाई सोना है तो अब चलो सोते हैं। अब मिलते हैं डायरेक्ट मॉर्निंग में और मॉर्निंग में मैं आपको दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है। और हम लोग मॉर्निंग में पहुँचेंगे अपने स्टेशन पे और अभी सारे लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी मैं हूँ रक्सौल से थोड़ा सा पीछे। और गाइस मुझे लगता है जो ट्रेन जो होती है वो रात को मेकअप करती है, लेकिन ये जो स्पेशल गरीब रथ है वो मेकअप करवा रही है लग रहा है लोगों को। और ये 6 घंटे लेट है गाइस, इस टाइम तक हम लोगों को पहुंचना होता है लेकिन 6 घंटे लेट, इतना लेट गाइस, वो भी एसी ट्रेन, बहुत ज़्यादा लेट है गाइस, 6 घंटे लेट है। अब देखो हम लोग कब तक पहुंचते हैं। और यहाँ पे पिछले आधे घंटे से ट्रेन हमारी खड़ी हुई है और ये देखो कोहरा और यहाँ पे ठंड है। बिहार में ना थोड़ा सा ठंड है, ये देख रहे हो दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। और मॉर्निंग का बहुत ही अच्छा व्यू हो रहा है यहाँ पे। और गाइस सच बता रहा हूँ मॉर्निंग में ट्रेवल करने का मजा ही कुछ और है। और आप देख सकते हो बिहार की साइड कोहरा कितना ज़्यादा है और जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं हरियाली होती है वहाँ पे कोहरा तो होता ही है। और अभी गाड़ी अपने रफ्तार में है, अपने मूड में है, लेकिन कितने भी मूड में हो 6 घंटे की डेली लेट में है अभी 6 घंटे। रक्सौल हम लोग आ गए हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी गाड़ी लगी है रक्सौल में। रक्सौल और ये रक्सौल लोकमान्य तिलक हमारे आगे खड़ी है जो रक्सौल से मुंबई की तरफ जाएगी। रक्सौल
अभी मैं बैठा हूँ रक्सौल जंक्शन पे, और रक्सौल पहुँचाने का टाइम था रात का 1 बजे। रात को 1 बजे हम लोगों को रक्सौल आना था, और लेकिन अभी 6 बज रहे हैं और सुबह के 6 बजे हम लोग रक्सौल पहुँचे हैं। लगभग 6.5 घंटे लेट है हमारी ट्रेन का। ये गरीब रथ 6.5 घंटे लेट है और हम 6 बजे रक्सौल पहुँचे। देखते हैं हम लोग दरभंगा कब पहुँचते, कितने बजे तक पहुँचते हैं। बाकी ब्लॉग में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। तुम्हारा भाई आप कितना मेहनत कर रहा है आपके लिए। और मैं आपको थोड़ा सा रक्सौल स्टेशन का व्यू दिखाता हूँ। ये रक्सौल है जो बिहार में पड़ता है, और हम यहाँ पे 6 घंटे की डिले से आए हैं। ये देखो रक्सौल जंक्शन, और हमारे पीछे ये खड़ी है रक्सौल लोकमान्य ट्रिक। ये यहाँ से रक्सौल से जाएगी मुंबई की तरफ। और ये देखो सर, ये देखो गाइस, बीरगंज से 5 घंटा लगा। जयनगर जीती पहले जयनगर जैसे तो मताना जीती ना ढंग जयनगर उठते हैं साला। रक्सौल बहुत टाइम है, वही पार होती कतों को दिख रहा। रक्सौल में ज्यादातर टांगा चलता है, ये देखो ज़्यादातर यहाँ पे टांगे का यूज, रक्सौल में ज़्यादातर टांगे का यूज़ होता है। यहाँ पे टांगे का यूज़ ज़्यादा होता है रक्सौल में, इसीलिए। ओहो सही है, हाँ यहाँ टांगे ज़्यादा चलता है रक्सौल में। ये देखो ट्रेन में जर्नी मत करना गाइस, बहुत परेशान हो गया हूँ। ऑलमोस्ट लगभग 7 घंटे लेट है ये गाड़ी, और 7 घंटे से लेट से पहुँची और अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं है। और अभी लगभग हमें 2.5-3 घंटे और लगेगा पहुँचने में। तो मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा, इस ट्रेन से जर्नी मत करना, वही बेटर है। बहुत लेट गाड़ी है यार, कहीं भी रोक देती है, कहीं भी रुक जाती है। तो अभी हम निकल गए सीतामढ़ी से। यार यहाँ से निकली तो बहुत तेज है, लेकिन आगे जाके उतनी तेज रुक जाती है ये। सीतामढ़ी जंक्शन करना बहुत बेकार है, बहुत लेट चल रहा है। मतलब सब परेशान है, परेशानी में जूझ रहा है। सब परेशान है यार, इतना लेट गाइस। गाइस तो सही है, लेकिन लेट की वजह से बहुत दिक्कत प्रॉब्लम पड़ रहा है। 5-6 घंटा 7 घंटा लेट चलता है, यही दिक्कत है। 7 घंटे लेट है अभी तक हम पहुँचे नहीं है, 7 घंटे। अब सोच के देखो, और अभी हम लोग सीतामढ़ी से निकले, अब देखो कब तक पहुँचते। अगर इस स्टार्टिंग से ऐसे चले तो क्या ही बात है यार। Thank you.
फाइनली हम लोग दरभंगा पहुंच गए हैं, दरभंगा पहुंचने वाले हैं और गाड़ी लगभग 6.5 घंटे लेट है और 6.5 घंटे के बाद हम लोगों को इसने दरभंगा पहुंचाया। और मैं आपको दरभंगा स्टेशन दिखाता हूं थोड़ा सा। ये दरभंगा का पुल है जहां से आप पीछे की साइड आ सकते हो। अब देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे लगाएगी, इतना तो फिक्स है एक पे तो लगाएगी नहीं क्योंकि ये पीछे की साइड से आ रही है, बट अब देखो क्या होता है। काट दिया यार इसने, काट दिया। देखो काट दिया इसने पूरा। अब देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे है ये। आ गए हम दरभंगा जंक्शन, दरभंगा, और ये मेरा लास्ट स्टॉप था, मुझे यहीं पे उतरना है। और देखते पहले कौन से प्लेटफॉर्म पे लगा रही है गाड़ी। एक दो पे तो लगाई नहीं है, शायद 3 नंबर है या 2 नंबर पे लगाई है। तो गाड़ी हमारी लगी है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, गरीब रथ एक्सप्रेस दरभंगा में 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी। और यहाँ पे 1/2 घंटे का इसका स्टॉपेज है। और ये आ गया हमारा दरभंगा जंक्शन। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोगों को कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने भाई को ऐसे ही प्यार दो ताकि मेरे को भी मोटिवेशन आए आपके लिए ऐसी ऐसी ब्लॉग बनाने का और आपके ऐसी ऐसी चीज़ें आपके लिए बनाने का। और बाकी ये दरभंगा रेलवे स्टेशन, अब यहीं ये मेरा आखिरी स्टॉप है। सो गाइस फाइनली हम लोग दरभंगा पहुंच चुके हैं और मेरा यहीं तक का सफर था। और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में मैसेज कर सकते हो गाइस। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बाकी मैं आपको दरभंगा रेलवे स्टेशन एक बार आपको दिखाता हूँ पूरा कैसा है कैसा नहीं, सकते हो गाइस। और अभी गरीब रथ हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी हुई है दरभंगा में। और ये दरभंगा रेलवे स्टेशन है और यहीं तक का हमारी जर्नी थी। ये देखो